पिछले चंद दिनों में जो घटना कश्मीर में घटी, जिसमें दो सिख बच्चियों को कुर्सी वाली उनका कन्वर्शन किया गया और उनका उनकी मैरिज जो है जो वहाँ पर परफॉर्म की गई इस्लाम में, ये बड़ी दुखद घटना है। और उसमें से एक बच्ची तो वापस आ गई, दूसरी बच्ची अभी तक उसको रिस्टोर नहीं किया गया। ये तो रिसेंट के इंसिडेंट हैं, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला कि पिछले 4 साल में 11 सिख बच्चियों को अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनकी मैरिज होती थी। मुझे अफसोस आता है कि वो कल टीवी पर आ रहा था कि उस लड़की को पेश किया गया कि वो उसने अपनी मर्जी से की है। मैं मान नहीं सकता कि ये सिख बच्चियाँ उस पंथ से बिलोंग करती हैं जिसकी पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की और गुरु नानक देव जी ने की, और गुरु जी के चारों बेटे जो है उन्होंने धर्म पर बलिदान कर दिए। और अगर वो कहानी पढ़े कि एक 7 साल के और एक 9 साल के जब उनसे पूछा गया कि इस्लाम कबूल कर लो तो बच जाओगे, तो उन्होंने कहा कि क्या इस्लाम कबूल करने से हम बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। ये उस भावना से इतनी प्रेरणा थी उस वक़्त, इतना शद्दत था, इतनी जुल्म था उस वक़्त। उस पंथ से ये लड़कियां माना नहीं जा सकता कि वॉलंटियरली वो गई है, उनको ज़बरदस्ती उनको उठाया गया है, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है और उनके एल्डरली लोगों से शादी की है। और वहाँ पर तो दूसरी बात कि वो वहाँ पर लेडी सुरक्षित ही नहीं है, कैसे माना जाए कि जो लड़कियाँ अपनी मर्जी से जाएंगी उस धर्म में जाएंगी जहाँ पर लेडीज सुरक्षित नहीं है, जहाँ तो चार चार शादियाँ की जाती हैं एक और कई हवाले ऐसे हो जाते हैं। मुझे अभी थोड़ा सा पता चला कि एक सैनी लड़की थी, नर्स थी, तो उस वहाँ पर वो एक उधमपुर की एक महिला, मुस्लिम महिला, और उसका बेटा उसका इलाज करवाने के लिए गए थे, उन्होंने लड़के से शादी कर उसको प्रवेल किया, उस पर कैसे उसको मनाया और बेटे से शादी करवाई और जहाँ लाकर कहते हैं आप मेरे बेटे के बालक से संबंध क्रिएट करो, तो वो बेचारी भाग के आई। इस किस्म के हालात जो है, ये धर्म परिवर्तन वाली बात जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, सारे देश में है। तो हमारा ये सिख समाज से ये मैं आश्वासन देता हूँ कि पूरे का पूरा हिंदू समाज जो है वो उनके पीछे है, और छाना बिछाना उन लड़कियों को रेस्टोर किया करने के लिए, और जहाँ पर एंटी कन्वर्शन और एंटी लव जिहाद के का जो कानून है उसको इमीडिएटली लागू किया जाए, कनेक्ट किया जाए, ऑर्डिनेंस जारी करें, जो करना है करें, लेकिन इमीडिएटली और जो बाकी देश में जिस तरह से पैटर्न है उसी तरीके से उसको लागू किया जाए, नहीं तो सारा समाज जो है सिख समाज तो है ही है लेकिन बाकी समाज भी, ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, ये हमारे भी लड़कियाँ हैं। मैं केस कर रहा हूँ कि जहाँ से क्या कहते हैं जम्मू में तो उनकी दाल गलने हम कम देते हैं, लेकिन जहाँ से लड़की को उठाते हैं श्रीनगर ले जाते हैं वहाँ पर उसका कोई नहीं होता है, और वहाँ जाकर उसकी कन्वर्सन करके उसके उसको उसका और उसका क्या होता है बाद में पता ही नहीं चलता, वो जिंदा है मर गई है कि कहाँ उसको कर दिया। तो ये लव जिहाद की जो घटनाएँ जहाँ हो रही हैं, ये तो कन्वर्सन का सिलसिला तो जब से मुस्लिम हमले हुए तभी से शुरू है, लेकिन ये अब जो है इस आज़ाद हिंदुस्तान में ये जो है ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारी ये डिमांड है, मेरे साथ बाकी संस्था भी